सभी को नमस्कार। एनएफटीवी रिव्यू में आपका फिर से स्वागत है। हम आप सभी प्रशंसक के लिए कुछ रोमांचक समाचार लेके आए हैं। हम वेडनेसडे सीजन 2 की रिलीज डेट एंड अपडेट के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसलिए यदि आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो में तो अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि हमको पता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था राइटर स्ट्राइक और एक्टर स्ट्राइक के बारे में मैंने डिटेल से बताया था। साथ में हम इसका शूटिंग एंड प्रोडक्शन के बारे में भी बताया था मैंने वेडनेसडे सीजन 2 का। लेकिन अभी फिलहाल में जो भी न्यू रिपोर्ट आ रहे हैं उसके अनुसार अच्छी बात है कि राइटर स्ट्राइक खत्म हो चुका है और एक्टर स्ट्राइक अभी फिलहाल चल रहा है। लेकिन एक्टर स्ट्राइक वो भी खत्म हो जाएगा इस महीने में, क्योंकि अभी पता चला है रिपोर्ट एंड रिसर्च के अनुसार जो कि इस महीने में उनका डील होने वाला है। एक मीटिंग होगा, उसके बाद उनका भी डील पक्का हो जाएगा, तो वो भी अच्छी खासी डील लेके एकदम मामला सलटते हुए देखने को मिलेगा। तो अब जैसे कि हमको पता है ये मामला खत्म हो जाएगा, तो जल्दी से अब और भी नए जितने भी हॉलीवुड के ठप पड़े थे शो एंड मूवीज वो आपको अब कंटिन्यू होते, शूटिंग एंड प्रोडक्शन राइटिंग एंड सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब बात करें जेना ओर्टेगा ने क्या कहा है, इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है, तो उन्होंने कहा है कि प्रिपरेशन वाला जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। उन्होंने खुद कहा है, जो रिपोर्ट के अनुसार मुझे पता चला वो आपको मैंने बता दिया। अब बात करें इसके शूटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन के अदर काम की, तो जैसे कि हमको पता चला है कि अभी 2024 के स्टार्टिंग में आपको ये शूटिंग स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाएगा जितने हम, और साथ में अर्ली क्वार्टर तक स्टार्ट हो जाएगा। एंड पोस्ट प्रोडक्शन की बात करें तो 2024 के लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा, अभी अनुमानित है, एक्सपेक्टेड है ये सारे का सारे। लेकिन और भी जितने क्लियर और रिपोर्ट आएंगे आपको क्लियर कर दूंगा, जो भी रिपोर्ट आने वाले वक्त में मिलेगा आपको क्लियर करते रहूंगा। लेकिन अब भाई बात करें इसके रिलीज डेट के बारे में, तो जैसे कि आपको पता है सीजन 1 आया था नवंबर महीने में, जो कि 2022 के अंदर देखने को मिला था। सेम केस इसके साथ भी आप फॉलो करते हैं, एक्सपेक्टेड करते हैं और मंथ भी कैलकुलेट करते हैं। तो लेकिन मामला जैसे कि आपको पता है अभी स्ट्राइक हो चुका था, इस वजह से थोड़ा इधर उधर होने का चांसेस है। लेकिन आपको जैसे कि पता है, मुझे रिपोर्ट एंड रिसर्च के अनुसार पता चला है कि 2025 के लास्ट तक आने के ज़्यादा चांसेस रहे। और जैसे कि आपको पता है सीजन 1 नवंबर महीने में आया था, तो मंथ आप उम्मीद कर सकते हैं कि नवंबर महीने में आ सकता है 2025 तक। इससे पहले आने के चांसेस बहुत कम ही है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़े रहिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।